फ्रेंड्स, मैं यार्ड में हूँ और आप लोग जानते हैं कि यार्ड से आप लोगों को कुछ डेली कुछ सिखाने के लिए वीडियो देता है। ये वीडियो रनिंग स्टाफ जैसे कि ट्रेन लाइन में चलने के बाद में एन रूट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनमें से एक प्रॉब्लम आता है कि ब्रेक बैंडिंग। ये LHB गाड़ी में ब्रेक बैंडिंग होने से या तो स्मोक एमिशन होते हैं, ये खबर आप लोगों को कोई SMR से या तो कोई गेटमैन से कहीं से मिलते हैं। आप लोग आने का बाद में क्या करेंगे पूरा वीडियो दिखाएंगे, पूरा वीडियो देखिए। मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो ये ब्रेक पैनल बोर्ड में आप लोगों को शॉर्ट में दिखाएंगे कि एन रूट में अगर ब्रेक बैंडिंग हुआ, आप LP है, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बारे में मैं बता के आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो चलिए, रनिंग ट्रेन में जब चलते हैं, रनिंग ट्रेन में कभी कभी आपको सेक्शन में खबर करता है कि फलाना नंबर कोच में धुआं निकल रहा है और शायद ब्रेक बैंडिंग हुआ, या तो ब्रेक बैंडिंग हुआ भी होगा तो सिम्टम क्या है। ये अंदर में जो ब्रेक डिस्क देख रहे हैं वो अगर ब्रेक बैंडिंग हुआ तो हीट पैदा होंगे और उधर आपका आगे का जैसी एक आपका टेम्परेचर भी आएगा 80 डिग्री का ऊपर में बहुत सारा, और वो जगह में आपको ब्लैक हो जाएगा, मतलब रेड हो जाएगा, जल जाएगा। आप ब्रेक बैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा। ये जो कैलिपर है, इस कैलिपर से आपको ब्रेक ब्लॉक चपका हुआ रहेगा और इधर बहुत हीट आपको मिलेंगे। तो गाड़ी में ब्रेक बैंडिंग हुआ, आके देखेंगे, ब्रेक बैंडिंग अटेंड कर रहे हैं, आके देखेंगे जो ब्रेक पैनल में जो इंडिकेटर है दो, इस तरफ का ब्रेक के लिए ये है और इस तरफ के लिए ये है। आपका कौन सा बोगी में ब्रेक बैंडिंग हुआ, पकड़ लीजिए उस बोगी में ब्रेक बैंडिंग हुआ, आप कैसे अटेंड में आए हैं और देख रहे हैं कि एक तरफ में आपका रेड है, पकड़ लीजिए इस तरफ में रेड है। आप आएंगे, आपको पता चल गया कि ब्रेक बैंडिंग शायद हुआ है, क्योंकि हुआ या नहीं हुआ आप तो ब्रेक कैलिपर जो है उसको देखे थे, और आने का बाद में आप इसी जो रिलीजिंग हैंडल है इसको खींच के इस तरीके से, या तो इसको खींच के आप रिलीज करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हुआ तो इसके बाद में देखिए, ये आइसोल्टिंग कॉक ब्रेक सिलेंडर का इस तरफ के लिए, मतलब इस तरफ के, और ये आइसोल्टिंग कॉक जो दिख रहा है उस तरफ के, ये नॉर बीम्स का है। फेबली होने से और स्कॉट होने से आपको इस तरीके के नॉब मिलेंगे BC 1 2, जिस तरफ हुआ है उसको, ये देखिए अभी आइसोलेट कंडीशन में है, इसको ऊपर में रख दीजिए तो ये ऑन कंडीशन में रहता है, तो ये आइसोलेट कंडीशन में है। इस तरीके से जो ब्रेक बैंडिंग है उसको आइसोलेट कीजिए और करने का बाद में इधर देखिए, इधर रिलीज हुआ कि नहीं, तो मैक्सिमम टाइम रिलीज हो जाता है। उसके बाद में आप गाड़ी को आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको दो चीज़, एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो जो ब्रेक कैलिपर जो है वो आपका रिलीज हुआ कि नहीं, थोड़ा सा जाके कोई सामान से या तो डिस में आप ठोकेंगे और नहीं तो उसमें कुछ टच करने से कुछ दूसरा सामान से, तो आपको साउंड से पता हो जाएगा कि रिलीज छूटा या नहीं। पता चल गया कि दोनों ट्रॉली में ब्रेक बैंडिंग है तो रिलीज करने की कोशिश कीजिए इससे और इससे, अगर नहीं हुआ तो BC 1 2 आइसोलेट कीजिए। और AP का आइसोलेटिंग कॉक है, देख रहे हैं इधर आपका ये कोना वाला AP है और ये है टॉयलेट के लिए, ये सबको आप बंद कर दीजिए। आपका ज़्यादा डाउट है तो ये जो दो ड्रेन कॉक देख रहे हैं, ये दोनों ड्रेन कॉक को भी 125 और 75 ड्रेन कॉक को भी आप बंद कर दीजिए। DVR चार्जर हैंडल जो है इसको भी आप ये इस पोर्शन में उठा दीजिए हॉरिजॉन्टली, आपका गाड़ी टोटल, आपका गाड़ी रिलीज हो जाएगा। आपको जाकर दोनों ट्रॉली का ब्रेक पैड जो है उसको थोड़ा से देखना है और इसके बाद में आप गाड़ी को आराम से, ये ब्रेक बैंडिंग केस में कोई KMPH नहीं होता है, अगर व्हील स्किडेड होता है और कुछ अलग कारण होता है उसके चलते परमिसेबल आपको स्पीड के लिए कहीं से परमिशन लेने पड़ता है। आपका फॉल्ट किस तरीके से है, अगर उस तरीके कुछ फॉल्ट होता है तो उन लोग फिर से स्पीड रजिस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन ब्रेक बैंडिंग केस में कोई स्पीड रजिस्ट्रेशन नेचुरली होता नहीं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि एक LHB ट्रेन में ब्रेक बैंडिंग होने से किस तरीके से आप लोग थोड़ा से रिलीज करेंगे। आप रनिंग स्टाफ और गार्ड LP के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो ये शॉर्ट में है, और लॉन्ग वीडियो देखना है तो मेरा पार्ट देख लीजिए जाके। तो
इस वीडियो में इधर ख़त्म करता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।